तो तुम लोगों ने एक छोटी सी ही झलक तो वेजिटा और गोहान की बीस्ट फाइट की तो देखी होगी ही, जो कि द प्राइड ऑफ द बीस्ट के पहले पार्ट वाली वीडियो में तुमने देखा होगा, जहां तुम्हें इन दोनों की वो बीस्ट वाली फाइट की एक झलक दिखी होगी, जिसे आगे देखने के लिए तुम एक्साइटेड दिख रहे हो। अब ये उसका पार्ट टू है, यानी अगला पार्ट आगे की कहानी, जिसमे वेजिटा अब अपने बीस्ट को भी जगाएगा, जिसे तुम देखोगे। अब ये फैन मांगा काफी अच्छी तरह से डार्क हन जीरो ने बनाई है, जिसके पेजेस आने में टाइम लग रहे हैं, इसलिए ये वीडियो लेट हुई है। आगे पार्ट थ्री भी आएगा, जैसे कि अभी आया है। बस अगर तुम्हें ये मेरी नरेशन पसंद आई, ये मांगा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक पहले ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो अब सीधा स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तुमने लास्ट टाइम इसके पिछले एपिसोड में देखा ही था कि गोहान को काफी ज्यादा धमकाने और मारने के बाद वेजिटा ने गोहान की वो बीस्ट फॉर्म निकलवा ही दी थी, जिसे देख कर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान थे। और गोहान अपनी पावरफुल बीस्ट फॉर्म में वेजिटा को ही देख रहा था, और वहाँ वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में था। और गोहान की ये बीस्ट फॉर्म देखकर गोकू भी काफी ज्यादा हैरान था और कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ही बदल चुका है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगा नहीं था कि गोहान ने इस लेवल की पावर पा ली है। और गोहान को देखकर वेजिटा भी हैरान था और वो कह रहा था कि आखिर ये अपने पावर को इतना ज्यादा मैनेज कैसे कर पा रहा है, वो भी इतनी सारी पावर्स को निकालते हुए। अब वेजिटा ऐसा कह ही रहा होता है कि गोहान उसे ही देख रहा होता है, और एकदम ही उसके सामने से गायब होके वेजिटा को चौंका देता है। वेजिटा कहता है कि ये क्या है, और इतनी देर में ही गोहान वेजिटा के सामने से गायब होके उसके पीछे आ जाता है। और गोहान के पीछे आते ही वेजिटा एकदम हैरान हो जाता है, और जैसे ही उसे मुड़कर देखने लगता है, गोहान वहां एक पावरफुल पंच वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर वेजिटा पीछे की तरफ जाने लगता है। और वेजिटा जैसे ही पीछे जाने लगता है, गोहान तुरंत एक पावरफुल पंच वेजिटा के पेट पर दे मारता है, जिसे खाकर वेजिटा एकदम हैरान और चौंका हुआ होता है, और खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि गोहान अपनी तेजी को दिखाते हुए वहां से ट्रांसपोर्ट होके वेजिटा की तरफ काफी तेजी से जाने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस स्पीड का सामना नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा वो कह ही रहा होता है कि वो गोहान को स्पीड में आता हुआ देखकर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और गोहान काफी ज्यादा तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है और हवा में से जाते हुए सीधा उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, और पकड़ते हुए ही अपनी स्पीड के साथ ही अपने ऑरा के साथ ही वेजिटा को जमीन की तरफ लेता हुआ जाता है और सीधा जाकर उसे जमीन पर दे मारता है, और वहीं उसे दबाए हुए पकड़ा हुआ होता है। और उनकी इन पावर्स की वजह से वहां काफी ज्यादा गड्ढा बन जाता है। अब यहां वेजिटा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़कर हंसने लगता है। वेजिटा को इस तरह हंसता हुआ देखकर गोहान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे चौंक कर देखने लगता है। और हम यहां देखते हैं कि वेजिटा की आंख बिल्कुल बदल चुकी है। अब वेजिटा को ऐसा देखकर गोहान तो हैरान होता ही है, लेकिन अब यहां पर वेजिटा काफी तेज आवाज में हंसने लगता है, जिसे देखकर गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो देखता है कि वेजिटा की आंखें बिल्कुल ही बदल चुकी है, जो कि काफी तेजी से एक पर्पल ऑरा में चमक रही है, जिसे देखकर गोहान हैरान तो होता ही है। और वेजिटा की यहाँ पावर इतनी ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है कि उसके आसपास के पड़े पत्थर भी अपने आप गायब होने लगते हैं और वेजिटा के ऑरा में चमकने लगते हैं। और यहाँ वेजिटा अब भी काफी तेजी से अपनी वो हंसी हंस रहा होता है और अपनी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा को वहाँ बाहर निकालता है, जो कि उस टूटे हुए जगह को और ज्यादा बुरी तरह तोड़ने लगता है। और वेजिटा यहाँ अब भी हंस रहा होता है, जिसे देखकर गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है और वेजिटा से दूर होके खड़ा हो जाता है और उसे दूर से ही देखने लगता है, जहाँ वेजिटा के चारों तरफ ऑरा ही ऑरा दिखाई हमें देता है। और वेजिटा अपने ऑरा में ही हवा में उड़ रहा होता है और उड़ते हुए वहाँ उठता है, और उसमें हम एक बीस्ट को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वेजिटा के चेहरे पर झलकता है, जहाँ वो एकदम डीमन की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसकी आंखें चमक रही होती है और वेजिटा वहाँ अपनी हंसी के साथ होता है और अपनी पावर को काफी तेजी से बढ़ा रहा होता है, जहाँ अब भी उसका ऑरा चारों तरफ होता है और वो आसमान से निकलते हुए सीधा स्पेस में चमक रहा होता है। और अब यहाँ वेजिटा अपनी उस पावर को बढ़ाते हुए अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और खुद को शांत करते हुए वहाँ खड़ा होता है, जहाँ उसकी चारों तरफ उसके पर्पल ऑरा के रंग में ही बिजलियां चमक रही होती है। और अब यहाँ वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और मुड़कर गोहान को देखने लगता है, जहाँ गोहान भी उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि और गोहान कहता है कि ये पावर ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मैं खुद को सुधारने में अपनी ट्रेनिंग पर काफी ज्यादा फोकस कुछ समय से दे रहा हूँ, लेकिन वेजिटा की वो पावर को खुद से महसूस करना काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाकर खड़ा होता है और वहाँ खड़ा होकर अपने जेब से अपनी इयर रिंग को निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ये मेरी डिवाइन की पहले ही महसूस कर ली है, तुम्हें पता है ये किस तरह
की पावर मेरी बॉडी में घूम रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये पावर है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, जो कि मेरी बॉडी से पूरी तरह से फूट कर बाहर निकल रही है। अब ऐसा बोलते हुए ही वेजिटा अपनी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वो इयररिंग को पहन लेता है और मन में ही कहता है कि धत, जब भी मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो लॉर्ड बीरस ने मुझे ये कहा है कि ये इयररिंग मुझे पहननी पड़ेगी ताकि मैं इस फॉर्म को दर्शा सकूं कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे बुरी बात इसमें यही है कि अगर मैं ये नहीं पहनता हूं तो वो बहुत दूर से ही मेरी ये पावर पहचान लेते हैं और उस भटकती बिल्ली की वजह से मुझे पता नहीं ये कौन सा रूप लेना पड़ रहा है। अब वेजिटा ऐसा कह ही रहा होता है कि दूर प्लेनेट पर बीरस एकदम ही छींक देता है और कहता है कि कौन आखिर मेरे बारे में बात कर रहा है। और अब यहां दोबारा कहानी वेजिटा और गोहान पर आती है, जहां वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है और सलमान भाई की तरह ही कहता है, ब्रिंग इट ऑन सन गोहान, तो अब ठीक है, अब ज्यादा ही मजा आएगा। और वेजिटा के ऐसा कहते ही गोहान काफी तेजी से स्पीड पकड़ता है और सीधा वेजिटा के सामने आके एक पावरफुल किक मारता है, जिसे वेजिटा स्माइल करते हुए बड़े आराम से रोकता है और उसकी वजह से वहाँ काफी तेजी से एक सोनिक वेव बन जाती है जो कि एक गोला आकार ले लेती है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और काफी तेजी से लड़ने लगते हैं और दोनों पावरफुल की अटैक बनाकर एक दूसरे पर वार करते हैं और दोनों के की जैसे ही टकराते हैं तो वो जगह काफी तेजी से रोशनी से भर जाती है और वहाँ एक काफी तेज धमाका होता है जिसमें से वो दोनों बड़ी तेजी से निकलते हैं और गोहान जैसे ही उस धूल से निकलता है वेजिटा तुरंत उसके पीछे बड़ी तेजी से पड़ जाता है और गोहान के पीछे जाते हुए गोहान जैसे ही वेजिटा को देखता है गोहान सीधा मुड़कर सीधा वेजिटा के सामने आता है और एक पावरफुल पंच वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जहां वेजिटा उसके सामने से गायब होके सीधा उस पंच को डॉच करके अपना एक पावरफुल पंच गोहान के चेहरे पर दे मारता है, जिसे गोहान भी खाकर दोबारा एक अटैक करता है और एक पावरफुल किक वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर वेजिटा अपने चेहरे को सीधा कर फिर से मुस्कुराने लगता है और दोनों अब यहां पर काफी तेज चिल्लाते हुए एक दूसरे पर काफी तेजी से वार करने लगते हैं, जहां ये दोनों पंचेस और किक से काफी तेजी से अटैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां धरती कांप रही होती है और वहां पर काफी तेजी से हर बार उनके अटैक से काफी भयंकर सोनिक वेव्स उभर रहे होते हैं, जिसे देखकर गोकू भी एकदम हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं, बस धरती इन दोनों की पावर को संभाल ले। वैसे गोहान फाइट में वेजिटा की पावर्स को इक्वल ले रहा है, ये कुछ ज्यादा चौंकाने वाला है। अब ऐसा बोलकर वहां काफी तेजी से वो लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जगह चमक से तो भरी ही होती है। अब यहां दोनों काफी पावरफुल पंच एक दूसरे के चेहरे पर दे मारते हैं और दोनों के पंच एक ही समय पर एक दूसरे के चेहरे पर लगते हैं और वो दोनों पंच को खाते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और अब गोहान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वेजिटा ने इस लेवल की पावर को पा लिया है, जब ये मोरो के खिलाफ लड़ रहा था तो इसकी लिमिट इसकी पावर सिर्फ सुपर सेन ब्लू से एक कदम ऊपर थी। और फिर यहां वेजिटा भी मन में कहता है कि इसकी पावर कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली है, तुमने आखिर अपनी पावर को जगा लिया गोहान, ये बैटल एक पक्के दो सेयंस के बीच में है। अब ये दोनों जैसे ही मन में ये बातें कहते हैं, अब गोहान वहां खड़ा होकर कामे हामे वेव का अटैक करने जाता है और कामे हामे कहते हुए अपनी कामे हामे वेव को बनाने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है और वो उस वेव को बनाकर तुरंत वेजिटा पर उसका अटैक कर देता है, जिसे वेजिटा देखकर हैरान होता है और वहीं टिके हुए होता है और वो वेव सीधा वेजिटा की तरफ काफी तेजी से जाती है, लेकिन वेजिटा वहां उस अटैक को डॉच कर सीधा गोहान के बगल में आ जाता है, जहां गोहान उस अटैक को कर ही रहा होता है और वेजिटा को अपने बगल में देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। अब वेजिटा यहां इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि मोरो फाइट के बाद अब यहां होता है और वेजिटा वहां गोहान को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम मुझे इसके साथ बीट कर दोगे। अब ये चैप्टर ये पार्ट टू यहीं तक था। यहां तुमने देखा कि गोहान और वेजिटा किस तरीके से लड़ रहे हैं, जहां इनकी फाइट अभी और ज्यादा आगे जाके वाइल्ड होने वाली है, खतरनाक होने वाली है, जो कि हमें आगे के चैप्टर्स में देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब तुम्हें ये चैप्टर अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर पहले ही ठोक देना और इसके आगे के चैप्टर भी मैं लाऊंगा, जो कि धीरे धीरे इसके पेजेस आ रहे हैं, जहां अच्छे खासे एक वीडियो बनाने लायक जब इसके पेजेस आ जाएंगे तो मैं इसका तीसरा पार्ट भी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। बाकी इसके क्रिएशन इसका आर्ट काफी ज्यादा मजेदार है, तो उसके लिए भी एक कमेंट कर देना। बाकी मेरी नरेशन तुम्हें कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे मैं और भी वीडियोस जल्द ही जल्द लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है काफी टाइम से इस चैनल पर वीडियोस बहुत धीरे धीरे आने लगी है, कोशिश करूंगा नए नए टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस बनाने की। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।